डियर स्टूडेंट्स, यूरोप के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उनमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांस की इस क्रांति के पश्चात फ्रांस में हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों ने निश्चित ही तत्कालीन विश्व पर, या हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने निश्चित ही तत्कालीन विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डाला। और हम समझ सकते हैं कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह विश्व के राजनीतिक परिवर्तन के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी रही। विश्व में तमाम जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, तमाम क्रांतियां हुई, या हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक सुधार हुए, जो प्रजातांत्रिक प्रजातंत्र का जो जनता के बीच प्रभाव बढ़ा, इन सबको बढ़ाने में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था 1776 का, उसका भी विश्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, परंतु फ्रांसीसी क्रांति का जो महत्व रहा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यद्यपि हम अमेरिका की क्रांति के महत्व को नकार नहीं सकते हैं, अमेरिका की क्रांति ने जहां विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं फ्रांसीसी क्रांति ने तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें दिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसे हम बंधुत्व ही कहते हैं। और इससे जो फ्रांस में जो विशेषाधिकारों का अंत हुआ और समाज में प्रजा में जो समानता की भावना स्थापित हुई, वो अपने आप में महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं अभूतपूर्व थी। यद्यपि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, डायरेक्ट का शासन, तमाम ऐसे राजनीतिक प्रयोग हुए, और इन राजनीतिक प्रयोगों के आगे बढ़ते बढ़ते जो नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम काउंसलर बना, फिर वह जो सम्राट बना, यह भी अपने आप में एक अनोखा प्रयोग फ्रांस में रहा। इसलिए यूरोप में जो फ्रांस का इतिहास रहा वह संपूर्ण यूरोप पर उसका प्रभाव पड़ा है। यदि आप इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस का जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, या फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का सम्राट बनना, या फ्रांस में प्रथम गणतंत्र की स्थापना, द्वितीय गणतंत्र की स्थापना, तृतीय गणतंत्र की स्थापना, इन सब का प्रभाव तत्कालीन यूरोप के साथ साथ संपूर्ण विश्व पर किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। यही नहीं, फ्रांस में जो 1830 की क्रांति हुई, यद्यपि यह क्रांति का आरंभ, इस क्रांति का आरंभ फ्रांस से हुआ, परंतु संपूर्ण यूरोप इससे प्रभावित हुआ। इसी प्रकार 1848 की जो क्रांति हुई उसका आरंभ भी फ्रांस से हुआ, परंतु उसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। इसीलिए फ्रांस के संदर्भ में कहा जाता है, या कहा जाता था तब, कि फ्रांस जब छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो फ्रांस से ही जो नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना और उसने जो परिवर्तन किया और उस परिवर्तन को पुनः पूर्व स्थिति में लाने के लिए जो वियना कांग्रेस भी, और वियना कांग्रेस की निर्णयों को लागू करने या निर्णयों को बनाए रखने के लिए जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था हुई, जिसे हम कंसर्ट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, उस संयुक्त व्यवस्था के संदर्भ में हमने पिछले शीर्षक में अध्ययन किया। जैसे मैंने बताया था कि संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत पवित्र संघ
जो कि एक ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ था, या हम कह सकते हैं पवित्र संघ एक ईसाई धर्म से जुड़ा विचार था। यद्यपि पवित्र संघ ने राजनैतिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण भूमिका जो है यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने में नहीं निभाई, परंतु फिर भी जार की मृत्यु तक यह अस्तित्व में रहा। तो पवित्र संघ का ज्यादा राजनीतिक प्रभाव यूरोप की राजनीति पर नहीं पड़ा, परंतु जो चतुर्मुख मित्रमंडल की व्यवस्था थी, या जिसे हम पंचमुख मित्रमंडल के नाम से भी जानते हैं बाद में, तो पंचमुख मित्रमंडल ने जो यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए या यूरोप की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो बार बार सम्मेलनों का, या हम कह सकते हैं विभिन्न कांग्रेसों का आयोजन किया, विभिन्न कांग्रेस जो आयोजित हुई यूरोप में, उन कांग्रेस के द्वारा यूरोप के बड़े देशों ने यूरोप की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, और कुछ सीमा तक वह इन समस्याओं को सुलझाने में सफल भी रहे। परंतु फिर भी जो तत्कालीन यूरोप की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां थी, जनता की जो अपेक्षाएं थी, जो फ्रांस की क्रांति ने एक गणतंत्र का संदेश दिया था, उदारवाद का संदेश दिया, या हम कह सकते हैं कि नागरिक अधिकारों की बात की, इन सब का प्रभाव यूरोप पर पड़ा था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की भावनाओं को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उन सब का प्रभाव यूरोप पर पड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप की जनता जो है उदारवादी शासन की मांग करने लगी, शासन में सुधारों की मांग करने लगी, संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगी, और इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस में जैसे 1830 की क्रांति हुई जिसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, 1848 की क्रांति हुई जिसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, और कालांतर में जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ ये भी इन्हीं उदारवादी या राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव था। यद्यपि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था ने यूरोप में उदारवादी विचारों को रोकने, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ने से रोकने, जनता के अधिकारों को कुचलने, स्वतंत्रता की मांग करने के विरुद्ध क्रांतिकारियों को दबाने का दमन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, परंतु फिर भी फ्रांस में उदारवादी विचार, क्रांतिकारी विचार आगे बढ़े। हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था जो ये चाहती थी यूरोप में शांति व्यवस्था बनी रहे, और निरंकुश शासन या जो बिना कांग्रेस ने जो निर्णय लिए थे वे निर्णय यूरोप में लागू रहें, उनमें कोई परिवर्तन न हो, संयुक्त व्यवस्था इन सब को बनाए रखने में असफल रही। इसका कारण क्या था? सबसे पहला कारण यह था कि जो मित्र राष्ट्र थे, पहले जो चार बड़े देश थे ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रसा और रूस, और बाद में फ्रांस उनमें सम्मिलित हो गया था, इन सबके उद्देश्य एक दूसरे से अलग थे। ऑस्ट्रिया और रूस यूरोप में क्रांतिकारी भावनाओं को कुचल देना चाहते थे तथा चाहते थे कि यूरोप के विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें और जहां भी सुधारों की मांग हो उनका दमन कर दें, परंतु इंग्लैंड इनके ठीक विरुद्ध था। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो कांग्रेस यूरोप के पंचमुख मित्रमंडल ने आयोजित की उनमें मतभेद होते गए और बढ़ते गए। संयुक्त व्यवस्था की असफलता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि ये जो चार या पांच बड़े देश थे, इन देशों ने अपने हितों और स्वार्थों को प्रमुखता दी और यूरोप की जो शांति व्यवस्था थी उसको बनाए रखने के बजाय अपने स्वार्थों को साधने में ज्यादा ध्यान दिया। उदाहरणार्थ जब तुर्की की समस्या, जिसे हम पूर्वी समस्या भी कहते हैं,
तो पूर्वी समस्या के प्रश्न पर यूरोप के ये पांचों बड़े देश अलग अलग इनके मत थे, ये इनमें मतभेद बनी हुई थी क्योंकि इंग्लैंड भी नहीं चाहता था कि रूस तुर्की में अपना प्रभाव बढ़ाए, उससे इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य को, या हम कह सकते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य को खतरा उत्पन्न होता था। ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता था कि रूस तुर्की में अपना प्रभाव बढ़ाए क्योंकि उससे ऑस्ट्रिया के प्रभाव को धक्का लग सकता था। इस तरह इनके आपसी मतभेद जो थे वो किसी भी समस्या को सुलझाने में आड़े आ जाते थे। यही कारण रहा जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था, यूनान की समस्या थी, उस समस्या को सुलझाने में भी अपने स्वार्थों के कारण ये देश एकमत नहीं हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि ये जो संयुक्त व्यवस्था थी, या हमें कह सकते जो वियना कांग्रेस के निर्णय थे, ये कहीं ना कहीं मूलतः नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध थे कि फ्रांस में कहीं नेपोलियन बोनापार्ट का वंश पुनः सत्तारूढ़ न हो जाए, या नेपोलियन बोनापार्ट कहीं पुनः पलट कर फ्रांस पर अधिकार न कर दे। और इसका परिणाम यह हुआ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई 1821 में, तो अपने आप यह संयुक्त व्यवस्था महत्वहीन हो गई क्योंकि ये नेपोलियन के विरुद्ध ही बनी थी, इसलिए नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात इस संयुक्त व्यवस्था का महत्व कम हो गया। अगला जो कारण था असफलता का कि इस संयुक्त व्यवस्था में केवल चार या पांच जो बड़े देश थे उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसका परिणाम यह था कि ये जो ये पांच बड़े देश थे ये जब सम्मेलन किसी समस्या के लिए आयोजित करते थे तो उस सम्मेलन में यूरोप के छोटे देशों को आमंत्रित नहीं किया जाता था, और यदि उन्हें आमंत्रित किया भी जाता था तो उनकी सदैव उपेक्षा की जाती थी। इस कारण भी छोटे देशों का इस व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं था। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था इस असफलता का कि जो ये बड़े देश थे इनमें ये देश क्या थे, राष्ट्रवादी विचारों के विरुद्ध थे। हम कह सकते हैं ये पूर्णतया प्रतिक्रियावादी थे, जो नहीं चाहते थे कि किसी भी देश में जनता प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करे, प्रजातंत्र की मांग करे, या जो फ्रांस की क्रांति थी उसके सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, समानता या भ्रातृत्व की भावना का सम्मान करे। ये देश जो प्रतिक्रियावादी थे, जैसे ऑस्ट्रिया में सबसे प्रमुख था या रूस था, ये घोर प्रतिक्रियावादी थे और ये नहीं चाहते थे कि किसी भी देश में स्वतंत्रता, समानता या भ्रातृत्व की बात जनता करे या जनता उदारवादी शासन की मांग करे। इस कारण इस व्यवस्था का पतन हो गया, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन देशों का आपस में विश्वास भी नहीं था, एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता था। हमने अध्ययन किया कि जब दक्षिण अमेरिका में स्पेन के उपनिवेशों में विद्रोह हुआ तो स्पेन चाहता था कि उसके उपनिवेशों के विद्रोह को दबाने में फ्रांस या ऑस्ट्रिया उसकी सहायता करे, लेकिन इंग्लैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि इंग्लैंड का स्वार्थ था, इंग्लैंड का उन दक्षिण अमेरिकी देशों से व्यापार चलता था और यदि उन देशों पर स्पेन का प्रभाव और मजबूत होता तो इससे इंग्लैंड के व्यापार को धक्का लग सकता था, इसलिए इंग्लैंड का विरोध किया। और विरोध ही नहीं किया बल्कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को भी भड़काया, और इसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुंडो ने मुंडो सिद्धांत की घोषणा की। मुंडो ने घोषणा की कि हम उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में कहीं भी यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका अमेरिका वासियों का है। तो इस तरह इंग्लैंड ने अपने स्वार्थ के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भड़का करके अपना स्वार्थ साधा, और इस तरह हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था आपसी मतभेदों के कारण सफल नहीं हो पाई। यद्यपि इसकी कुछ उपलब्धियां ये रही कि लगभग 40 वर्षों तक यूरोप में किसी न किसी तरह शांति व्यवस्था बनी रही, बड़ा युद्ध नहीं हुआ। और एक महत्वपूर्ण जो इसकी जो उपलब्धि है वो है कि पहली बार यूरोप में एक अंतर्राष्ट्रीय, या हम ये कह सकते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संस्था गठित हुई। इस तरह हम
समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था किस प्रकार थी और उसकी सफलता व असफलता के कारण क्या थे।